एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 दो तरह के राइट्स की बात करता है। एक हाथ में वो सिटीजन्स को देता है सारे राइट्स, जी हाँ आर्टिकल 19 अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स को, और दूसरे हाथ में वो देता है स्टेट को ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जिससे अप्लाई करके स्टेट सिटीजन्स के राइट्स कर्टेल कर सके। बट बिफोर वी डाइव इनटू कि ये सारे राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, चलिए पहले आर्टिकल 19 का बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमने इस बैकग्राउंड पे बहुत फोकस दिया था कि हमारी कंट्री 200 साल से ज़्यादा के लिए फॉरेन रूल के अंडर रही थी, और इस दौरान हमारे सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो आर्टिकल 19 के कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के वक्त बहुत सारी चीजें थी डिस्कस करने को, कौन कौन से राइट्स होने चाहिए आर्टिकल 19 के अंदर। जैसे एचवी कामत ने ये कहा कि यूएस सिटीजन्स की तरह इंडियन सिटीजन्स को भी बंदूक रखने का हक, राइट टू बियर आर्म्स होना चाहिए। अब आते हैं इमरजेंसी पीरियड के वक्त। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लागू कर दी। ये आजादी के बाद हमारी डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट पीरियड था। 1970s के टाइम पे न्यूज़पेपर्स वर दी ओनली मीडियम जिसे मास कम्युनिकेशन हो पाता था। गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया कि न्यूज़पेपर वाले कोई भी पॉलिटिकल या डोमेस्टिक न्यूज बिना गवर्नमेंट की परमिशन के छाप ही नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं हमारे करंट आर्टिकल 19 की। दो बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला ये, आर्टिकल 19 अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स को, एंड दूसरा ये, आर्टिकल 19 एक्सरसाइज हो सकता है केवल और केवल स्टेट के खिलाफ। पूरे आर्टिकल 19 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 19 क्लॉज 1 जो सिटीजन्स को देता है 6 फ्रीडम, वेरियस लिबर्टीज एंजॉय करने के लिए, एंड 19 क्लॉज 2-6 जो देता है स्टेट को राइट कि वो वेरियस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फॉर्मुलेट कर सके ताकि कोई इसका नाजायज फायदा ना उठा सके। आर्टिकल 19 को पार्ट 3 का बैकबोन कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जल्दी से एक एक करके आर्टिकल 19 के सारे राइट्स डिस्कस करते हैं। ऑल्सो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 19। तो शुरू करते हैं 19(1)(a) के साथ, फॉसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सिटीजन्स के तीन तरह के राइट्स कवर करता है। पहला, द राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। दूसरा, द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज, एंड तीसरा, द राइट टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज अ सीक्रेट। सेक्शन 377 में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की, वो सिटीजन्स के इस राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए हुई है। बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं। एक मूवी देखने के लिए आप पहुंच गए थिएटर पर, मूवी प्ले होने से पहले प्ले होने लगा नेशनल एंथम, तो आप खड़े हो गए अटेंशन पोजीशन में, पर आप नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे, तो क्या आपने कुछ गलत किया? क्या आपको कोई सजा हो सकती है? अगर ये केस नहीं होता तो आपको इस चीज के लिए सजा मिल सकती थी। देखिए इस केस में क्या हुआ कि एक हाई स्कूल की असेंबली के वक्त नेशनल एंथम प्ले हो रहा था। तीन बच्चे जो जेहोवा बिलीव के थे वो अटेंशन पोजीशन में खड़े तो हो गए पर वो नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे। यही चीज उनकी हेडमिस्ट्रेस ने देखा और कहा तुम नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और उन्हें एक्सपेल कर दिया। बच्चों ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं ये नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट थी। स्पेशल लीव पिटिशन लगा के बच्चे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जेहोवा बिलीव के लोग ये मानते हैं कि वो सिर्फ भगवान से रिलेटेड रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो तीनों बच्चे थे वो नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करते हुए अटेंशन पोजीशन में खड़े हुए थे, ये काफी है, और उन्होंने नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर कोई गलती नहीं की है, उन्हें कोई सजा नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई स्पेशल मेंशन या स्पेशल राइट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 19 है वो मेनली इन्फ्लुएंस्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट से, जिसकी हेडिंग कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ प्रेस। तो अगर आपका आइडिया ही किसी और के आइडिया पे बेस्ड है तो आप उनके प्रिंसिपल्स भी इंश्राइन करेंगे। यही कहा गया था ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली की केस में। इसे और इलैबोरेट करते हुए सकल पेपर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है एज अ राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर रेगुलेट होता है। बिल्कुल इन्हीं के तरह और भी बहुत सारे राइट्स गारंटीड हैं 19(1)(a) के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट के पास पावर है कि वो इस राइट को लिमिट कर सकता है 8 रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू जो कि दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 के अंदर। तो ये है वो 8 ग्राउंड या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिनके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल हो सकता है 19 क्लॉज 2 के अंदर।
19 क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक जितने भी रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उन सभी को रीजनेबल होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे टेस्ट और गाइडलाइन दिए हैं ये बताने के लिए कि कोई रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली की, जो कि है 19(1)(b). ये कहता है कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो पीसफुली और विदाउट आर्म्स असेंबल हो सके। 19(1)(b) रेगुलेट होता है 19 क्लॉज 3 के अंदर, जो ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर SIP, इन तीन रीजंस की वजह से वो 19(1)(b) कर्टेल कर सकता है। अगर आप असेंबली बना के इन पांच में से कोई भी चीज करते हैं तो आपकी असेंबली अनलॉफुल होगी, जैसे किसी लीगल प्रोसेस में बाधा डालना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, या किसी पब्लिक ऑफिसर पर क्रिमिनल फोर्स यूज करना, या किसी नॉर्मल इंसान पे फोर्स यूज करके ऐसा कुछ करवाना जो उसे करना नहीं है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर लेना। तो अगर आप इन पांच में से किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ असेंबल हुए हैं तो आप अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हैं। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है वो सेक्शन 129 ऑफ CRPC के अंदर आपको डिस्पर्स होने के लिए कहेंगे। अगर उनके कहने के बाद भी आप डिस्पर्स नहीं होते हैं तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 151 ऑफ IPC। यही कारण है कि जब किसी को कोई रैली निकालनी होती है या प्रोसेशन निकालना होता है उनको पहले से एक लाइसेंस लेना होता है या परमिट लेना होता है पुलिस से कि वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ असेंबल होने वाले हैं। नेक्स्ट है 19(1)(c), जो कि है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये रेगुलेट होता है 19 क्लॉज 4 में, जो ये कहता है कि सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के चलते स्टेट ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बना सकता है और 19(1)(c) को कर्टेल कर सकता है। तो 19(1)(c) के चलते हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो एसोसिएशंस या यूनियन बना सके या उनमें पार्ट ले सके। तो अगर कोई कॉमन मैटर डिस्कस करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, ये सारे ही कवर होते हैं 19(1)(c) के अंदर। और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेज नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के केस में ये कहा गया कि राइट टू स्ट्राइक या राइट टू लॉकआउट कवर नहीं होता है 19(1)(c) के अंदर। 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। इस क्लॉज को लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे सिटीजन्स में नेशनैलिटी की फीलिंग जाए। तो 19(1)(d) ये कहता है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो पूरी इंडियन टेरिटरी में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन घूम सकते हैं। इस राइट के लिए दो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है 19 क्लॉज 5 में, जो कहता है कि जनरल पब्लिक के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट के लिए आपका ये राइट कर्टेल हो सकता है। नेक्स्ट है 19(1)(e) जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की बात करता है। इसका भी ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इंडिया के अंदर की इंटरनल बैरियर्स हटा सके। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस हमेशा साथ में यूज किया जाता है। यही वजह है कि 19(1)(d) और 19(1)(e) के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सेम है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फाइनल फ्रीडम की, 19(1)(g) की, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की। ये कहता है कि हर इंडियन सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस प्रैक्टिस कर सकता है। उनको किसी कास्ट या क्लास का होना जरूरी नहीं है। इसमें जो दी गई फ्रीडम है वो रेगुलेट होती है 19 क्लॉज 6 के अंदर, जो कहता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए स्टेट के पास पावर है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बना सकता है। जैसे किसी भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस को प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं। दूसरा और मोर इम्पोर्टेंटली ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी ट्रेड या बिजनेस कंट्रोल कर सकता है सिटीजन्स की पार्शियल या कंप्लीट एक्सक्लूजन के साथ। मतलब स्टेट के पास पावर है कि वो स्टेट मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकता है। आई होप आर्टिकल 19 के राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आपको क्लियर होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप में से बहुतों के कॉलेजेस में अभी मिड टर्म चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।